हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों, वंदन करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि क्या बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में एवियन का पेन बढ़ता है? इसका जवाब दोस्तों यही है कि यस बिल्कुल बढ़ता है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी बारिश होगी तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो होता है, मतलब ये है कि जब आप बिजली कड़केगी या तूफ़ानी बारिश होगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब हड्डियां आपकी सिकुड़ती, और जब भी सिकुड़न होगी तो आपका पेन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना ये है कि एक तो बारिश के मौसम में बिल्कुल भीगे ना, और बारिश से आप लोग बचें, और अगर आप भीग गए तो इससे जो है आपको पेन बढ़ सकता है, बुखार भी आएगा तब भी आपका पेन बढ़ेगा, और जो भी दवाएं आपकी चल रही हैं ये भी थोड़ा सा इफ़ेक्टेड होती हैं। तो दोस्तों प्रयास आप लोग ये करें कि आप लोग बारिश से बचें, और ठंड के मौसम में या जैसे आप लोग घर में लेटे हैं बैठे हैं और डायरेक्ट आप लोग एसी की हवा में हैं या कूलर की हवा में हैं या आप पंखे की हवा में हैं, तो आप लोग अपने हिप जॉइंट को थोड़ा सा ढक के रखें किसी पतले तौलिए से या किसी गमछे से या किसी पतले चद्दर से, आप लोग शीट से उसको आप ढक के रखें, और आपके हिप जॉइंट पर डायरेक्ट कूल एयर यानी ठंडी हवा ना जाए, और इससे दोस्तों आप लोग जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको स्टिफनेस नहीं होगी और आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा पेन भी नहीं बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको आराम भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग बारिश के मौसम से बचें, भीगने से बचें, और ठंडी हवाओं के डायरेक्ट प्रभाव से आप लोग अपने हिप जॉइंट को बचाएँ, और इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, और मान के चलना कि स्टिफनेस जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो ये फिर नहीं होगी, और इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम भी रहेगा और पेन भी आपका नहीं बढ़ेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों जहाँ भी आप लोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।